बिना ऑथोराइज लेटर के डिस्ट्रीब्यूटर क्या उम्मीद कर सकता है कंपनी से? कल को हमारी बॉडी रिफंड है, जब कंपनी एजेंसी देती है हमारा मार्जिन 5 या 4% मामूली सही होता है। ये सारी चीजें सरकार ने कानून बना दिया, सरकार ने हमें संरक्षण दे दिया कि आपके हिस्से के अंदर जो आप बिजनेस टू बिजनेस सेल करेंगे उसके अंदर वो नहीं बेच पाएंगे। सरकार इसने बनाया व्यापारी कल्याण बोर्ड, इस बोर्ड का काम है व्यापारियों और सरकार के बीच में एक पुल का काम करना, व्यापारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और जहां तक संभव हो उसका सर्वमान्य हल निकालना। नमस्कार, इस समय मौजूद हैं करनाल के डिवेंचर होटल में और हम आपको बता दें कि यहाँ पर आज FMCG वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। कई इनके ऐसे मुद्दे थे जो इन्होंने व्यापारियों से डिस्कस करके सरकार तक अपनी मांगे पहुंचानी थी। तो हमारे साथ यहाँ पर शिव कुमार जैन जी मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है हरियाणा व्यापार मंडल के। हम उनसे एक बार बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे सर क्या कुछ आज आपका मेन मुद्दा था, आप लोगों ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कुछ आपके मेन ऑब्जेक्टिव थे? मैं सबसे पहले हरियाणा सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने व्यापारियों की बहुत पुरानी मांग को हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना की और मुझे उसका चेयरमैन नियुक्त किया। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड हरियाणा के व्यापारियों के लिए एक ऐसा मंच है जिसके ऊपर हम व्यापारियों की समस्याओं को सुन करके सरकार में बैठ करके उन्हें अच्छे प्रकार से सुलझा करके व्यापारियों को राहत देने का काम करते हैं। व्यापारी कल्याण बोर्ड सरकार और व्यापारियों के बीच में एक पुल का काम करेगा, जिसका मतलब है कि उन दोनों के बीच तालमेल, व्यापारियों की समस्याएं सरकार तक पहुंचेंगी और सरकार जो चीज़ चाहती है वो व्यापारियों तक पहुंचेगी, दोनों मिलकर के इस व्यापार को और ऊंचा उठाएंगे जिससे प्रदेश की भी उन्नति होगी और राष्ट्र भी उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ स्वरण सिंह टोनी जी भी हैं जो कि प्रेसिडेंट है FMCG के वेलफेयर एसोसिएशन के, एक बार हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ मेन मुद्दे थे जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या कुछ मैसेज आप सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? मेरा मेन मुद्दा, सबसे जो मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि कंपनियां हमें जो टारगेट देती हैं वो मंथली टारगेट दिए जाते हैं हमें और उस टारगेट को पूरा करना ही पड़ता है, जबरदस्ती वो टारगेट पूरे कराए जाते हैं। हमारी सबसे पहली ये मांग है कि हमारा जितना माल बिके हमने उतना ही माल हमें मंगवाने को कहा जाए और हमें एक निश्चित स्टॉक बोला जाए कि इतना निश्चित स्टॉक आपने रखना है। और ये जो हर महीने हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के ऊपर तलवार लटकती है, इस तलवार टारगेट की तलवार को ख़त्म करना चाहिए, हमारे टारगेट खत्म होने चाहिए और टारगेट जो है वो कंपनियों के प्रतिनिधियों के होने चाहिए, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर के होने चाहिए, क्योंकि हम कमीशन पर काम करते हैं, हम किसी को, हमारे को कोई फिक्स पैसा नहीं मिलता, हम कमीशन पर काम कर रहे हैं और कमीशन पर काम कर रहे हैं। कोई भी दुनिया के किसी कोने में कोई, हम उनके ग्राहक हैं, किसी भी ग्राहक को कोई बाध्य नहीं कर सकता कि वो इतना माल आप लो ही लो, आप खुद एक कंज्यूमर हो, क्या आपको हम बाध्य कर सकते हैं कि आप हमारे से इतना माल लो? तो फिर हमें क्यों बाध्य किया जा रहा है? ये लड़ाई हम सारे मिलकर लड़ेंगे। हरियाणा का एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, 2500 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ हैं, 50,000 दुकानदार हमारे साथ हैं, ये टारगेट की लड़ाई हम लड़के रहेंगे। HDA जिंदाबाद, HDA जिंदाबाद। तो जैसा कि आपने देखा इनकी कुछ मुख्य मांगे यही थी कि जो एक टारगेट इन्हें दिया जाता है वो जरूर हटाया जाए, एक बर्डन जो इनके ऊपर रखा जाता है उसे जरूर हटाया जाए। यहाँ पर हमारे साथ नंद किशोर जी भी मौजूद हैं जो कि वाइस चेयरमैन हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सरकार को, क्या कुछ मांगे? हमारा जो मेन मुद्दा है वो है जो कंपनीज MNCs को या बड़ी बड़ी मॉडर्न ट्रेड वालों को कम रेट में माल देती हैं और हमें उससे ज़्यादा रेट में माल देती हैं, जिससे हम लोगों को मार्केट में माल बेचने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। जिन लोगों को लाइसेंस तो B2C के मिले हुए हैं वो B2B में काम कर रहे हैं और जिनको B2B के लाइसेंस मिले हुए हैं B2C में काम करके कानून की सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। हमारी सरकार से सिर्फ यही मांग है कि वो इस कानून की उल्लंघन का जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई करके और हम लोगों को राहत पहुंचाएं। धन्यवाद।
तो ये आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर FMCG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के लोग थे, जो हेड पर्सन थे वो लोग मौजूद थे। जैसा कि हमने देखा इनकी मांगे मेन यही थी कि जो इनके टारगेट्स होते हैं वो जरूर हटाए जाएं। जिस तरह से MNCs को अगर कोई प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं उनकी वैल्यू कम रखी जाती है, वही अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं उनकी वैल्यू बढ़ा दी जाती है। अपने आप में कहीं ना कहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकते हैं। जिस तरह से अमूमन देखा जाता है, अगर हम जेन्युइन लोगों की बातचीत करें तो लोग प्रेफर करते हैं या तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं या वो नॉर्मली MNCs से जाकर ऐसे प्रोडक्ट सस्ते में ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स को उसका जरूर कुछ ना कुछ नुकसान भुगतना पड़ता है। तो हमारी आप लोगों से अपील यही है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सरकार तक ये खबर पहुंच सके और जो भी इनके मुद्दे हैं उस पर जल्द से जल्द कुछ एक्शन लिया जा सके और इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।